तो आज मैं आपको जिस वाली वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ वो वाला वीडियो ट्रेंडिंग में तो चल ही रहा है, पहले तो आप वीडियो देख लो। तेरा तेरा मेरे उजला सितारा तेरे। तो अभी गाइस आप जो वीडियो देख पा रहे हो इस तरह का माय लेटर वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी के टाइम पे। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाकर अपलोड करोगे तो भाई अच्छा खासा लाइक एंड व्यू आ सकता है। अब देखो इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। अब आपको बनाना कैसे एंड किस एप्लीकेशन से बनाना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहले वाले स्टेप में आपको मलेटर वाला टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको एडिट पे जाना है। अब यहाँ पर आपको मैं लिखना है, जैसे कि जो मैं लिख रहा हूँ ना आपको सेम टू सेम यहाँ पे मैं लिख देना है, हिंदी में आप लिख देना। उसके बाद आपको मैं वाले टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है एंड आपको एडिट पे आके जो मैं वाला टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करना, ध्यान से आप कॉपी कर लेना टेक्स्ट को। टेक्स्ट को कॉपी क्यों करना है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे अब आपको जाना है माई पॉइंट में। अब देखो यहाँ पर जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना सेम स्टेप फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने काफी सारा कुर्ती देव वाला हिंदी का फॉन्ट ऐड किया अपने पिक्सल ऐप के अंदर, लेकिन आपको इतना ज़्यादा फॉन्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक फॉन्ट ऐड करना है कुर्ती देव वाला, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपके पास में टेलीग्राम नहीं है तो परेशान ना हो, वही आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको पिक्सल लैब के अंदर फॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसको देखकर आप एक बार में ऐड करना सीख जाओगे। अब देखो इस वाले फॉन्ट से आप टेक्स्ट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे ओपन करोगे अब आपको यहाँ पे देखना है सबसे ऊपर की साइड में तो आप लोगों को श्री देव वाला मिलता है, जस्ट उसी के नीचे देखना है कुर्ती देव वाला मिलेगा, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कुर्ती देव पे जाओगे यहाँ पे आपको दो टाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपने जो मवाला टेक्स्ट कॉपी किया था ना आपको दोनों टाइप में यहाँ पे पेस्ट करना है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे यूनिकोड कुर्ती देव पे क्लिक करना है, देन आपको टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है। अब नेक्स्ट आपने जो पहले मवाला टेक्स्ट लिखा था उसको कट करने के बाद में यहाँ पर जो आपने इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर से कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, मैंने पहले से क्लिक कर दिया था इसलिए डायरेक्टली एंड ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। लेकिन आपको फॉन्ट पे जाके माय पॉइंट में जाके जो आपने इंपोर्ट किया ना वही वाला टेक्स्ट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब देखो आपको इसमें कलर ऐड करना है, कलर आपको नॉर्मल नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको कलर पर जाना है एंड कलर के जस्ट नीचे आपको ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखना है प्लस का आइकन मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो आपको यहाँ पे दो ओपेसिटी लेंथ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला ओपेसिटी लेंथ है ना इसको आपको थोड़ा आगे पीछे करना है, उसके बाद यहाँ से कलर पे जाना है। जैसे आप कलर पे जाओगे आपको तीन ओपेसिटी मिलता है, आपको जो मैं कर रहा हूँ ना सेम टू सेम सेटिंग करना है, ध्यान दें ऊपर रेड कलर करना है। अब देखो आप लोगों को जो सेकंड वाला ओपेसिटी है इसको आगे पीछे करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है कलर पे। अब देखो यहाँ पे तीन ही ओपेसिटी की सेटिंग को जैसे मैंने किया ना सेम टू सेम कर देना। अभी आप देख पा रहे हो टेक्स्ट का कलर एकदम अमेजिंग लग रहा है। अब आपको अगेन एक बार फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फॉर्म गैली पे जाना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को किंग वाला पीएनजी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो किंग वाला जो पीएनजी है ना टेलीग्राम चैनल पे साथ में आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो आपको किंग वाली पीएनजी को थोड़ा छोटा करना है, उसके बाद आपको मवाली टेक्स्ट के जस्ट यहाँ पे सामने लगा देना है। अब आपने इसको कंप्लीट क्रिएट कर लिया है तो आपको नीचे फोर्थ नंबर पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करने के बाद आप इसे पीएनजी बना लेना। उसके बाद आपको पिंक क्वालिटी कर अल्ट्रा कर या फिर बेरी आई में आप सेव कर लेना। अब देखो मवाले टेक्स्ट का काम तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब रहता है वीडियो एडिटिंग करने का काम। तो वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है जो बता रहा हूँ ना आपको, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है बी एन वीडियो एडिटर। तो ये वाला एप्लीकेशन आज के टाइम पर सभी के पास में होता ही है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एकदम फ्री। तो आप लोगों को इंस्टॉल करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। अब आपको फोटो वाले सेक्शन में जाकर एक ब्लैक बैकग्राउंड वाला फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ध्यान दें ब्लैक बैकग्राउंड वाला जो फोटो है ना वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे साथ में वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो फोटो सिलेक्ट किया होगा ब्लैक बैकग्राउंड वाला, सबसे पहले आपको उसके लेयर के लास्ट में देखना है, यहाँ पे बॉर्डर मार्क मिलेगा तो बॉर्डर मार्क को आप ध्यान से डिलीट कर देना। अब जैसे कि आपने बॉर्डर मार्क को डिलीट कर दिया है, अब आपने जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला यहाँ पे फोटो सिलेक्ट किया होगा यानी कि जो बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट किया है ना उसके लेंथ को पकड़कर आगे की साइड में सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखें उतना ही सिलेक्ट करना है जितने सेकंड का आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद आप लोगों को टॉप टू एड स्टिकर पर जाना है, यहाँ पे फोटो वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। अब देखो फोटो वाले सेक्शन में जाके आपने जो मवाला टेक्स्ट बनाया था ना वही वाला टेक्स्ट पीएनजी यहाँ पे लगाना है।
आपको उसके बाद ध्यान रखें टेक्स्ट को बीच अभी सेंटर में लगाना है। यहाँ पे डबल स्क्रीन के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा और आसानी हो। अब आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे लगाया है ना बीच अभी सेंटर में लगाने के बाद आपको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद आपको लेंथ को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से करना है। पीछे आप ध्यान रख लेना जितना आपका बैकग्राउंड है ना उतना ही आपका लेंथ होना चाहिए, यानी कि जो मवाला टेक्स्ट है ना उसका लेंथ। ध्यान दें आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड किया है ना उसको थोड़ा फिंगर से जूम कर थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद आपको नीचे मार्क्स मिलेगा तो मार्क्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब आपको मिरर पे जाना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाता है मिरर, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको फिंगर से थोड़ा इसको ऐसा कर लेना है थोड़ा तिरछा टाइप में आप लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हो। उसके बाद आपको स्टिकर को पकड़ना है, साथ में इसको थोड़ा ओपेसिटी को बढ़ा देना है एंड आपको स्टिकर को पकड़कर नेम को बिल्कुल ढक देना है ऊपर की साइड में, इस लेंथ को ऊपर की साइड में कर देना। अब आपको यहाँ पे देखना है कीप फ्रेम मिलेगा तो आप लोगों को यहाँ से कीप फ्रेम लगाना है, वो भी लेंथ के जस्ट स्टार्टिंग में। तो जैसे ही आप यहाँ पे कीप फ्रेम लगाओगे अब आपको मैक्सिमम अपने लेंथ में 4 सेकंड तक आपको आगे जाना है, मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड आगे जाना है। स्टिकर को पकड़कर आप थोड़ा नीचे स्लाइड कीजिएगा, देन आप लोगों को ओपेसिटी को थोड़ा यहाँ पे फुल करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे ही आप टेक्स्ट के बीच अभी सेंटर में आओगे आपको ओपेसिटी को फुल करना है। अभी देखो आपका जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लास्ट में देखना है छोटी स्क्रीन पे, तो आपको लेंथ के बिल्कुल जस्ट लास्ट में जाना है, जो लेयर है ना लेयर के लास्ट में जाना है। देन आपको स्टिकर को पकड़ कर नीचे कर देना है। तो आपका जो वीडियो है ना बस इतना स्टेप फॉलो करना है। आपका वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है तो मैं आप लोगों को थोड़ा प्ले कर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आपका एक लास्ट काम रहता है ऑडियो ऐड करने का। जैसे कि वीडियो तो आपने इस तरीके से बना लिया है, अब लास्ट काम रहता है ऑडियो ऐड करना। तो आप लोगों को टॉप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है, देन आपको म्यूजिक पे जाके ऑडियो ऐड कर देना है। फिलहाल मैं तो ऑडियो वगैरह ऐड नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर देना, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। फिलहाल आपको BN एप्लीकेशन से वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। जैसे आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे अब आपको करना है कि यहाँ से बैक आना है एंड आपके पास में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नाम है कैपकट, क्योंकि इस वाली एप्लीकेशन से हमको स्टार वाला इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है, देन आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अब आपके सामने यहाँ पे फोटो एंड वीडियो वाला सेक्शन आता है, तो आप लोगों को वीडियो वाले सेक्शन में से जो वीडियो आपने BN एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट किया है उस वाली वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखो आपको यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपका साइज़ थोड़ा अलग टाइप का आता है तो आप लोगों को ऊपर की साइड में यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करना है। अगर आपका साइज़ थोड़ा अलग आता है, अगर आपका साइज़ पहले की तरह आपको लग रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं बढ़िया है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपको लेयर के लास्ट में देखना है, अगर बॉर्डर मार्क आता है तो डिलीट कर देना है, अगर नहीं आता है तो लेंथ की स्टार्टिंग में आना है, इफेक्ट पर जाना है, उसके बाद आपको जाना वीडियो इफेक्ट पे। अब जैसे ही आप वीडियो इफेक्ट पे जाओगे आपको यहाँ पे काफी सारा इफेक्ट मिलता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देखना है ऊपर की साइड में स्टार वाली सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप स्टार वाली सेक्शन में जाओगे आपके सामने यहाँ पे काफी सारा स्टार इफेक्ट आता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है फ्रेच बॉर्म टोन नेम से, यानी कि स्क्रीन पर आपको नेम शो कर रहा है फ्रेच बॉर्म टोन, इस नेम से आपको एक स्टार इफेक्ट मिलेगा, तो वही वाला स्टार इफेक्ट लगाना है। बाकी आप स्टार इफेक्ट का जो लेयर है यानी कि इफेक्ट का जो लेयर का ओपेसिटी है फुल वीडियो के टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पे लगा देना है। तो आपका यहाँ पे वीडियो बनकर कंप्लीट, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी गाइस हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से यहाँ पे बन चुका है। स्टार इफेक्ट और भी मिलते हैं, आप अगर आपको फ्रेच बॉर्म टोन वाला नहीं मिल पा रहा है तो और भी काफ़ी सारे स्टार इफेक्ट हैं, आप एक बार उनको लगा कर देख लेना, ट्राई कर लेना। बाकी हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट बन चुका है, अब आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। बाकी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब मैं तो जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, आप जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलिए अपना ध्यान रखें, बाय।